हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवमेंट इन ऑल। मैं हूँ आपके साथ नम्रता, और आज है रामनवमी। तो आप लोगों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। तो सब सुबह का सारा काम हो गया है, दोनों बच्चे भी नहा लिए हैं, ये नहाने गए हैं, और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने बजरंगबली का। मैंने बहुत कुछ सोचा था डियर कि बनाऊंगी, बहुत सामान मैंने मंगवा भी लिया था, लेकिन अचानक से कल शाम में मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं नहीं बना पाई। और डेली मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं डियर, क्योंकि मेरे बच्चे का भी एग्ज़ाम था, मेरा भी कई एग्ज़ाम था, और लगभग सभी एग्ज़ाम मेरा निकल ही रहा है भगवान की कृपा से और अपने मेहनत से। तो आगे मैं क्लियर करूँगी कौन कौन सा एग्ज़ाम निकला है, मैं बताऊँगी, आगे देखती हूँ क्या प्रोसेस होता है। तो इसीलिए डेली ब्लॉग नहीं आ रहे थे डियर, लेकिन आज रामनवमी था, मैंने सोचा आज का ब्लॉग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने कुछ पकवान वगैरह नहीं मैं बना पाई, क्योंकि तबीयत भी डाउन थी, और सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन छोटा बच्चा है तो इतना सब कुछ संभव नहीं होता है। तो फिर वो जो बजरंगबली स्थान में, जो पटना के लिए स्टेशन में जो बजरंगबली का स्थान है, वहाँ जो नैवेद्यम मिलता है वही मैंने मंगाया है, कान्हा के लिए अलग और बजरंगबली के लिए अलग, फूल वगैरह सब कुछ। तो चलिए अब पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। चैनल पर जो भी नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा और बने रहिएगा इस चैनल के साथ। लाल कलर का होगा दीजिएगा कपड़ा, मिला आपको? हाँ बड़ा ये लेते हैं। और यहाँ पर मैं पूजा करने आ गई हूँ, और ये पूरा जो रेक है भगवान जी का पूरा साफ कर रही हूँ, वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, बेटी कर रही है, बेटी भी नहा ली है, बेटा भी नहा लिया, ये नहाने गए हैं। तो आज रामनवमी है, तो बजरंग बली का और राम जी का मैं पूजा करूँगी। तो बेटा से सालू कपड़ा मंगाया, सालू कपड़ा मैं रखती हूँ, कान्हा का ड्रेस बनाती हूँ, तो उनका जो नीचे वाला बेस तैयार करती हूँ उसमें सालू कपड़ा लगता है। तो कपड़ा सब भी मैंने बहुत मंगाया था, आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर नहीं किया था, लेकिन उनका जितना भी मैं ड्रेस पहनाती हूँ खुद से बना के। तो आज गुरुवार है तो उनको भी पीला पहनाना है। सबसे पहले मैं बजरंग बली और राम जी का पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद कान्हा का पूजा करूँगी, और जूम करके मैं दिखाऊँगी अपने कान्हा को। तो बजरंग बली की तस्वीर में सालू कपड़ा बांध के, जनेऊ बांध के, और उसके बाद उनका पूजा माल्यार्पण वगैरह करूँगी। और ट्राइपॉड बार बार हिलते रहता है, कभी मेरी बेटी घुड़कते घुड़कते जाती है उसको हिलाती है, कभी मेरा बेटा, तो अभी हस्बैंड तो नहा रहे हैं, और ये देखिए पूजा करने बैठे हैं। तो बेटी कभी केला उठा के खा रही है, कभी कुछ, और बच्चे तो भगवान होते हैं। इसी तरह मैं काम करती हूँ, और बेटा गाड़ी लेके बैठा है। और फिर पूजा करने में तो समय लगा, लेकिन लगभग अभी 9:15 बज रहे हैं, तो ये बोले कि 9:45 से 10 बजे तक मुझे ऑफिस जाके अपना पंच मारना है, अटेंडेंस बना के फिर मैं आऊँगा, तुम आराम से पूजा करूँ। क्योंकि पहले ही मैंने बताया कल शाम में ही मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, नहीं तो मैं तो एकदम सवेरे उठती हूँ, अब तो बिल्कुल सवेरे उठने लगी हूँ। बेटा जाता है स्कूल, तो ये स्कूल जाता है तो ये इसकी गाड़ी है लगभग 5:45 में ही आ जाती है, तो मैं 4:45 में उठ जाती हूँ हर हालत में, झाड़ू लगा लेती हूँ, रात में ही सारा बर्तन वगैरह धो के रख लेती हूँ। तो आज तो इनका बंद था मेरे बेटा का स्कूल, ये भी नहा कर आ गए हैं, और ये बोले कि तुम आराम से पूजा करो, प्रसाद जो मिठाई लगाओगी वो जो नैवेद्यम पटना के हनुमान मंदिर का होता है वही लाए हैं ये, तो मैं वही अब हर जगह भोग लगाऊंगी, कान्हा को भी वही भोग लगाऊंगी, कान्हा को भी स्नान नहीं कराया है। और उसके बाद फिर बोले कि मैं यही प्रसाद लेकर के हम लोग यही प्रसाद खा लेंगे, फिर मैं ऑफिस से 10 मिनट में आ जाऊंगा, बस तुम चाय, मतलब प्रसाद खा के चाय पी के मैं निकल जाऊंगा, उसके बाद तुम आराम से नाश्ता बनाना, फिर मैं आऊँगा, क्योंकि मुझे बच्चे के लिए और कान्हा के लिए भी नाश्ता बनाना होता है, कान्हा को भी मैं देती हूँ नाश्ता बना के। तो इसीलिए यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, उसके बाद ये आ गए नहा के, और इनसे मैंने जल मंगाया था, थोड़ा जल दे दीजिएगा, बेटी मेरी गिरा दी थी, बहुत मुश्किल होता है डियर, छोटा बच्चा संभाल संभाल के, अब जब वो इतना परेशान करने लगी बार बार यहाँ आके, वो तो कान्हा को उठा के मुँह में ले लेती है, तब मैंने बेटा को कहा कि अब वाकर पे दे दो, उसको वाकर पे लगा दो, तब फिर अब वाकर पे उसको डलवा के फिर मैं आगे का पूजा करूँगी, कान्हा को स्नान कराऊँगी। अब मैं कान्हा को स्नान करा रही हूँ, जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैं कान्हा को ड्रेस पहना रही हूँ, कान्हा का स्नान किया हुआ हो गया, और आपको भुट्टा पकने की आवाज़ आ रही होगी कट कट, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ भुट्टा भी पका रही हूँ, मतलब मुझे
बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलता है डियर, आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कान्हा को स्नान कराए तुरंत इनका कपड़ा धुलना, अब तो चूँकि इनका हैवी है तो मैं एक साथ 3, 4 और 5, 6 तो मैं बनाई हूँ। ये कुछ बोल रहे हैं मुझे हंसी आ गई, 5, 6 मैं बनाई हूँ तो एक साथ जब जमा हो जाता है तो मैं इनका एक साथ धोती हूँ। कढ़ाई वगैरह में, किचन की कढ़ाई में मैं सर्फ डालकर साफ कर लेती हूँ, फिर आयरन करती हूँ। और अब मैं एक एक करके सबको टिक्का लगा दूँगी, बेटा को और टीका लगा दूँगी, बेटी को, फिर ये नहा के आएंगे। इसी में मैं कान्हा का ड्रेस रखती हूँ, तो मैं पीला वाला ड्रेस निकाल रही हूँ, अब मैं उनको पहनाऊँगी। तो एक साथ सारे भगवान का स्नान हो गया, तिलक हो गया, माला पहना दिया मैंने, अब सबको मैं नवेद लगाऊँगी, नवेद आरती कर लूँगी। फिर ये पूजा करते करते ये अब मुझे थोड़ा समय तो लग ही रहा था और इसीलिए मैं आवाज़ म्यूट कर दी हूँ, क्योंकि हनुमान जो हनुमान चालीसा होता है, हनुमान बाहुक होता है, ये सब मैं बजा रही थी तो कॉपी राइट आ जाता है अगर मैं ओरिजिनल वॉइस रखती तो। यहाँ पर मैं कान्हा को तैयार कर रही हूँ, आँख वगैरह से जो भी बनाया मैंने इस चैनल पर डाला है डियर। और एक बात आप लोगों को और कहना चाहूँगी, मैंने एक और चैनल क्रिएट किया है, मुझे मेरी बहन की बेटी ने कहा कि तुम मेरे नाम से क्रिएट करो, और वो जो उसमें जो है सिर्फ कान्हा का ही डालो, तो मैं बहुत शॉर्ट्स वगैरह डाल रही हूँ उसमें, और उसमें मैं आँख वगैरह बनाने का, तो उसमें मैंने बहुत कुछ डाला है, कान्हा का ब्लॉग करके इसमें भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ डाले हैं। लेकिन एक चैनल और है, मैं लिंक शेयर करने का प्रयास करूँगी, तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा डियर। मुझे अच्छा लगता है इनका पूजा करना। देखिए मैं वीडियो तो रोज़ नहीं ला पाती हूँ जैसा कि आप लोगों को पता है, लेकिन इनका सेवा मैं हर दिन करती हूँ। और इस डब्बे में मुकुट रखी हूँ, और ये देखिए मैंने जो ड्रेस बनाया है, मुकुट सब अपने से बनाती हूँ। और बहुत सारा नेट भी मंगाया था मैंने, हरियाणा से मंगाया था ऑनलाइन, यूट्यूब पर वो लोग दिखा रही थी, मैंने विश्वास के तहत उनको ऑर्डर किया। वो बोल रही थी वो लोग कि COD अवेलेबल नहीं है, पहले आपको फ़ोन पे करना होगा। फिर मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा आप कान्हा के लिए मंगा रहे हैं, भगवान के नाम से तो हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो 1200 का मैंने कुंदन वगैरह सारे शेप में, राउंड शेप, ड्रॉप शेप, एस शेप, बहुत शेप में मैंने सब कुछ मंगाया है। और यहाँ पर मैं भजन बजा रही हूँ और बहुत कुछ मैंने बनाया भी है, और बना भी नहीं पाती हूँ डियर, क्योंकि बेटी जो है मेरी अब घुरकने लगी है, खड़ी भी हल्की आप पकड़ के कुछ होने लगी। अब बताइए मैं ऊपर पहले नीचे तो काम करूँगी नहीं, कुछ उठा के मुँह में डाल देती है, अगर ऊपर काम करती हूँ तो वो ट्राइपॉड खींच लेगी या फिर पैर पकड़ के खींचने लगती है, रोने लगती है, तो बच्चे को रुलाकर अच्छा नहीं लगता डियर। और ये जो इसकी मेरी बेटी का जो पीरियड अभी चल रहा है, ये गोल्डन पीरियड जो है ये दोबारा लौट के नहीं आएगा, अगर बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर सब कुछ आदमी कर सकता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस लोगों पे समय देती हूँ डियर, इसीलिए वीडियो शेयर नहीं कर पाती हूँ। और ये देखिए आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, आरती वगैरह सब कुछ हो गया है, कान्हा को मैंने पीला पीला पहनाया है, इनको मिठाई पानी दे दिया है, हर जगह भोग लग गया है, तुलसी भगवान में भी लगा दिया है, ऊपर भी कुछ भगवान में रखती हूँ। तो इस तरह से मैंने पूरा पूजा कम्प्लीट कर लिया है, बनाकर तो कुछ भोग नहीं लगा पाई, और ये शंख बजाई हूँ तो लिपस्टिक थोड़ा ऊपर आ गया है। मैं शंख बजाकर पूजा करती हूँ, मैंने ससुराल में भी शंख मैं बजाती थी, और होली में जो पूजा गया था तो गोसाई के घर में भी मैंने शंख बजाया था। मैंने सोचा था आज लहठी भी चेंज करूँगी लेकिन नहीं कर पाई, बच्चा उतरी में आप तो देख रहे होंगे, पूजा करते समय मेरी बेटी कभी केला खा रही थी, कभी मिठाई खा रही थी। तो इस तरह से आज का पूजा कम्प्लीट किया है, और अब वो तो निकल गए ऑफिस, वो बोले 10 मिनट में मैं आ रहा हूँ, फिर पूरी सब्जी वगैरह कुछ बनाऊँगी, फिर आप लोगों से मिलूँगी। चलिए डियर अब मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में मिलूँगी, बने रहिएगा इस चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल।